अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीज़, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये 3 ब्यूटीफुल से आई मेकअप लुक। ये आई मेकअप लुक मैंने सिर्फ 1 आई शेडो पैलेट को यूज़ करके क्रिएट किए हैं। ऐसे ही 1 आई शेडो पैलेट को यूज़ करके मेरी फ्रेंड रिया ने भी 3 आई मेकअप लुक क्रिएट किए हैं। उनके चैनल का नेम है रिया ब्यूटी, काइंडली विजिट हर चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू हर चैनल। मैं उनके चैनल का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग उनके चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा और उनकी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का 36 कलर आई शेडो पैलेट। ये जस्ट 250 रुपीज़ का मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था और इसमें मैट और शिमरी कलर्स भी हैं। इसमें करीब 7 या 8 शिमरी कलर्स हैं और बाकी सारे मैट कलर्स हैं और ये काफ़ी पिगमेंटेड आई शेडोज़ हैं। मैं इसके स्क्रैचेस भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये हैं मैट आई शेडो कलर के स्क्रैचेस और मैं आप लोगों को अब शिमरी कलर के स्क्रैचेस भी दिखा दे रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे हैं, कैमरे पर इतना ज़्यादा नहीं शो रहा है, बट गाइज हाईली रिकमेंडेड दिस पैलेट। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और अफोर्डेबल साइड पर है ये पैलेट और इसमें मेरा शेड है 01 और इसकी सारी डिटेल्स इसके बैक साइड पर मेंशन है। ओके, तो फर्स्ट आई लुक को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डार्क ब्राउन सा आई शेडो और इसे मैं अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ और मैंने ऑफ कैमरा अपनी ब्राउज को और अपना बेस मेकअप ऑफ कैमरा ही कर लिया है। तो मैं इसे अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए अपनी पूरी आईलिड पर इसे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, पैट कर दूँगी सारे आई शेडोज़ को और साथ ही साथ मैं ये सेम आई शेडो को अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करती जाऊंगी। आपको भी ऐसे ही करना है और अपने शेडोज़ को अच्छे से ब्लेंड करना है। मैं पहले सारे आई शेडोज़ को अपनी आईलिड पर अच्छे से पैट करूंगी, उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइट ब्राउन कलर और इसे मैं अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए अपनी क्रीज लाइन में इसे ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये शिमरी गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ और इससे मैं अपनी ब्रॉ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी और इसे हाईलाइट करने के बाद मैं इसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई हार्श ना दिखे, ये आई शेडो एकदम शाइनी दिखे बस ज़्यादा ना दिखे। और उसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर को यूज़ कर रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं एक अपने आईलिड पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी। जिस तरीके से आप लाइनर लगाते हो आपको सेम उसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को ड्रॉ करेंगे हम मैं एक विंग लाइनर काइंड ऑफ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई लाइनर वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल वे में इस लुक को क्रिएट करना चाहती थी। नेक्स्ट मैं एक बिग फ्लफी ब्रश पिक कर रही हूँ और उसमें इस शेड को अच्छे से ब्राउन शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ ताकि एक स्मोकी काइंड ऑफ लुक मिले। और नेक्स्ट मैं सेम ये शेड अपने ब्राउन शेड अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी और मैं इस शेड को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि एक स्मोकी लुक मिले। नेक्स्ट मैं एक बिग फ्लफी ब्रश लेके सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईलैशेस कर्लर, ये भी मैंने ऑफलाइन लिया था और मैं इसकी हेल्प से अपनी लैशेज़ को कर्ल कर रही हूँ और यहाँ पर मैं कोई फॉल्सीज नहीं अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ MN का एक्सट्रीम कर्ल मस्कारा और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ये जस्ट 100 रुपीज़ में आपको ईजिली कहीं से भी मिल जाएगा। तो और मैं इसकी हेल्प से अपने लैशेस को अच्छे से कोट करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फॉल्सीज नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो जब भी आप फॉल्सीज ना लगाएं तो बहुत अच्छा मस्कारा यूज़ करें जिससे आपके आई लैशेस एकदम फॉल्सीज वाला इफ़ेक्ट आपको प्रोवाइड करें। तो मैं सेम मस्कारे से अपनी लैशेस को 2-3 कोट कर लूँगी अच्छे से और नेक्स्ट यहाँ पर मेरा लुक कम्प्लीट हो गया है। ये है मेरा फर्स्ट फाइनल लुक। अब नेक्स्ट मैं सेकेंड आई मेकअप को यूज़ करने के लिए सेम पैलेट में से ये पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ और आप देख सकते हो गाइस ये हाई पिगमेंटेड आई शेडोज़ हैं और मैं इसे अपनी पूरे आईलिड पर अप्लाई करूँगी और साथ ही साथ अपने इसे क्रीज लाइन और अपने लोअर लैश लाइन पर भी इसे ब्लेंड करती जाऊँगी।
अच्छे से आपको भी सेम इसी तरीके से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मैं एक बिग फ्लफी ब्रश लूँगी और उसमें लाइट पिंक शेड पिक करके अपने क्रीज में इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई हार्श लाइन या एजेस मेरे आई मेकअप लुक में ना दिखाई दे। नेक्स्ट मैं सेम मार्च के आई शेडो पैलेट में से ये वाइट शिमर शेड पिक कर रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं अपनी ब्रो बोन्स और इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर दूँगी। हाईलाइटिंग करने से आपकी आईज़ ओपन अप हो जाती हैं। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे अपनी हाफ आईलेट पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी फिंगर की हेल्प से। फिंगर की हेल्प से इस तरीके के शिमर शेड्स अच्छे से पिक होते हैं, तो मेक श्योर आप भी फिंगर की हेल्प से इसे पिक करें। और अब नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से एक ब्रश की मैं पिंक शेड पिक करके अगेन इसे अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन या एजेस ना दिखाई दे। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन के काजल से अपनी आँखों में काजल लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं सेम एमएन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं अपने लैशेस को अच्छे से कोट करूंगी, अपर और लोअर लैशेस को, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फॉल्सीज नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो मेक श्योर आप भी अच्छी क्वालिटी का अच्छा मस्कारा यूज़ करें। तो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट लुक कम्प्लीट होता है। ये है मेरा सेकंड फाइनल लुक। अब नेक्स्ट मैं क्रिएट करूँगी अपना थर्ड आई मेकअप। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईज़ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपनी पूरी आईज़ पर काजल अप्लाई कर लूँगी। मैं अपनी आईज़ पर काजल एक थिक विंग लाइनर काइंड ऑफ काजल अप्लाई करूँगी और साथ ही साथ मैं इसे अपने लोअर लैश लाइन पर भी एक थिक काजल की तरह अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं से एक ब्रश यूज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं अपने काजल को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, पूरा स्मोक आउट कर दूँगी। आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप दिखेगा। मैं एक विंग काइंड ऑफ क्रिएट करते हुए अपने आईज के कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ और मैं उसकी हेल्प से इसे इस आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करती जाऊँगी और अपने लोअर और अपर लैशेस को भी अच्छे से लैश लाइन के पास इस शेड को अप्लाई करती जाऊँगी। अब नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये लाइट ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और इसे अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड करती जाऊँगी इस ब्लैक शेड के साथ ताकि कोई हार्श लाइन या एजेस आई मेकअप लुक में ना दिखे। आपको भी सेम इसी तरीके से ब्लेंड करते जाना है और आप देख सकते हैं जितनी अच्छी ब्लेंडिंग मैं कर रही हूँ आई मेकअप उतना ही अच्छा होता जा रहा है। और आपको भी अच्छे से आई शेडोज़ को ब्लेंड करना है। मैं ब्राउन आई शेडो पिक करके अपने क्रीज में अप्लाई करते हुए अपने ब्लैक शेड के साथ इसे अच्छे से स्मोक आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सेम मस्कारा एमएन का और उसकी हेल्प से मैं अपने लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी क्योंकि मैं कोई फॉल्सीज नहीं अप्लाई कर रही हूँ। मैं इन मेकअप्स को बहुत सिंपल और ईजी वे में क्रिएट करना चाह रही थी। तो यहाँ पर मेरा आई मेकअप लुक कम्प्लीट होता है। ये थे मेरे 3 आई मेकअप लुक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप मेरे हर वीडियो से नोटिफाइड रहें। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय गाइज, स्टे ब्लेस्ड।